بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على محمد رسول الله الكريم ये प्रॉब्लम न्यूमेरिकल एनालिसिस के फाइनाइट डिफरेंसेस चैप्टर से है. फाइंड द मिसिंग वैल्यूज इन द फॉलोइंग टेबल. तो एक ही वैल्यू है यहाँ पर जो मैं मिस है और इस वैल्यू को मैं फाइंड करना है. तो इसके लिए एक टेबल को कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं और भी दूसरा मेथड भी होता है इसको सॉल्व करने का. तो हम यहाँ पर टेबल के थ्रू इसको वैल्यू फाइंड करेंगे यानी डिफरेंस निकालेंगे, डिफरेंस फाइंड करेंगे. तो सबसे पहले जो गिवन वैल्यू है एक्स की वैल्यू वो लिख देते हैं यानी आर्गुमेंट 1, 2, 3, 4 एंड 5 और इसके करस्पॉन्डिंग एंट्री दे रखी है 7 और यहाँ पर अगर नहीं दे रखी तो हम इसको Y2 मान लेंगे यानी ये पहले प्लेस है, ये सेकंड प्लेस है. इनके नंबर भी लिखे हुए हैं इसी के अकॉर्डिंग, नंबर चेंज भी हो सकते हैं लेकिन हमने इसका सेकंड प्लेस की बेस पे 2 लिखा है. फिर ये 27 है यहाँ पर और 40 एंड 55. इसके बाद यहाँ पर फर्स्ट डिफरेंस हम फाइंड करेंगे. इसको फाइंड करने के लिए इसमें से ये माइनस किया जाता है यानी बाय 2 माइनस का 7 किया जाएगा. ऐसे ही जब हम इसमें से ये माइनस करेंगे यानी 27 में से बाय 2 माइनस करेंगे तो हमको मिलेगा 27 माइनस का बाय 2. फिर इस 40 में से माइनस करेंगे 27 तो वैल्यू आ जाएगी ये 13 के इक्वल. और फिर यहाँ पर ये नंबर जो दे रखा था 55 है जो आपने देख लिया होगा. तो अब 55 में से मेरे को माइनस करना है 40 को जो कि आ जाएगा 15 आ जाएगा. अब सेकंड डिफरेंस निकालेंगे डेल्टा स्क्वायर वाई यानी डेल वाई थी ये था और ये डेल्टा स्क्वायर वाई है. अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो फिर देखेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे और ये वैल्यू ऐड होके 34 हो जाएगी. और ये माइनस होने पर ये भी माइनस का साइन ये भी माइनस का 2 टाइम्स बाई 2 हो जाएंगे. फिर हम इस 13 में से ये चीज़ माइनस करेंगे तो बाई 2 तो प्लस हो जाएगा, इसको पहले लिख दें और फिर ये माइनस हो गया ये प्लस, इनका डिफरेंस माइनस का 14 आ जाएगा. इस 15 में से 13 को माइनस करेंगे 2 आ जाएगा. अब यहाँ पर हम थर्ड डिफरेंस की वैल्यू को फाइंड करेंगे. तो इसमें से अब हम ये वाली वैल्यू माइनस करेंगे तो ये टर्म जो होगा वो हो जाएगा प्लस का हो जाएगा और इस यानी 2y2 प्लस हो जाएगा, ये y2 के साथ मिलेगा तो 3 टाइम्स y2 मिले हो जाएगा और ये माइनस हो जाएगा जो इस 40 माइनस का 34 माइनस का 14 तो माइनस का 48 हो जाएगा. फिर इस 2 में से माइनस करना होगा ये तो यहाँ पर ये फिर माइनस करने में ये प्लस हो जाएगा, ये दोनों ऐड होकर 16 माइनस का बाई 2 हो जाएगा. अब लास्ट रह गया है यानी डेल्टा 4 वाई. तो उसके लिए इसमें से ये माइनस करेंगे तो फिर ये तो प्लस हो जाएगा और दोनों को ऐड कर लेंगे 16 और 48 को जो 64 के इक्वल हो जाएगा. 16 और 48 को ऐड किया और इसमें से माइनस करेंगे माइनस का 4 टाइम्स बाई 2 हो जाएगा. तो इस तरीके से जब ये वैल्यू लास्ट में आ जाए तो आप इस वैल्यू को 0 के बराबर पुट कर दीजिए. देयरफॉर डेल्टा वाई फोर इज इक्वल टू 0 पुटिंग और मिसिंग टर्म की वैल्यू फाइंड कर लेंगे हम. ये वैल्यू आई थी 64 माइनस 4 टाइम्स वाई 2 इज इक्वल टू 0. देयरफॉर 64 इज इक्वल टू 4 वाई 2 और 4 से डिवाइड करेंगे 64 को तो मिल जाएगा हमको वाई 2 की वैल्यू 16 आ जाएगी, हमारा आंसर है. थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी. वाखर दावाना अलहमदिल्ला रबीआलमीन बमा अलैना इल्लल बलाग़.